गुड आफ्टरनून। इस बार हम लेके आए हैं वायरलेस कॉलबेल विद द हेल्प ऑफ इस सर्किट के माध्यम से आप अपने घर में वायरलेस कॉलबेल बजा सकते हैं। वायरलेस कॉल बजा सकते हैं। तो इस सर्किट में बेसिकली जब आप ये इस सर्किट में एक्चुअली दो पार्ट है। वन पार्ट इज ए ट्रांसमीटर एंड अदर पार्ट इज ए रिसीवर। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू यूनिट्स आप इस सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। बेसिकली इसमें कोई ज्यादा कंपोनेंट नहीं है, कुछ गिने चुने कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट के माध्यम से आप इसका सर्किट डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो इस सर्किट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लेंगे, जैसा कि आप सर्किट डायग्राम अभी आपके पास आएगा, सर्किट डायग्राम आएगा। तो सर्किट डायग्राम में आप देखिए, इसमें बाई मिस्टेक मेरे कैट लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने सर्किट डायग्राम को हैंड ड्रॉन बनाया है। लेकिन जब हम फाइनल सर्किट डायग्राम इसको देंगे तो आपको प्रॉपरली डिजाइंड सर्किट डायग्राम हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। राइट। तो सर्किट डायग्राम के माध्यम से आप देखिए, तो इसमें ओनली फ्यू कंपोनेंट्स हैं। अभी ये देखिए, हमारे पास ये सर्किट, ये देखिए अभी आप, तो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको एक ट्रांसमीटर चाहिए और एक रिसीवर सर्किट चाहिए। ये देखिए, ये है रिसीवर सर्किट डायग्राम। इस सर्किट में हमने एक रिसीवर मॉड्यूल और एक डिकोडर आईसी यूज किया है। तो इस तरह से इन सर्किट्स को हम बना सकते हैं आसानी से। अब आप देखिए, इस सर्किट को सबसे पहले आते हैं ट्रांसमीटर पे। ट्रांसमीटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? ट्रांसमीटर के लिए बनाने के लिए हम देखिए, हमें जैसे ये ब्रेडबोर्ड है, इस ब्रेडबोर्ड को जब आप देखेंगे तो इस सर्किट को बनाने के लिए, जैसे ट्रांसमीटर का सर्किट है, तो बोर्ड को लेंगे और ये हमारा ट्रांसमीटर सर्किट है। दिस वन इज वन, ये ट्रांसमीटर सर्किट है। ट्रांसमीटर में 4 पिन्स है। वन पिन इज वीसीसी, अनदर इज डाटा, ग्राउंड और एंटीना, ये 4 है। इसके अलावा एक 18 पिन का इनकोडर है। राइट। बस ओनली टू कंपोनेंट्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस सर्किट। अभी हमने यहां बना रखा है, देखिए ये सर्किट डायग्राम में 12 E लगा है, ट्रांसमीटर लगा है और कुछ भी नहीं है। इस सर्किट में आप देख रहे हैं, जैसे मॉड्यूल में तो सिर्फ 12 E इनकोडर है और एक ट्रांसमीटर सर्किट है, एक रजिस्टर है, बस एक कैपेसिटर है स्टेबलाइज करने के लिए, बहुत सारा है। तो ये कंप्लीट सर्किट आपका, ये ट्रांसमीटर कंप्लीट हो गया। राइट। अब आप दूसरा सर्किट जो है, दूसरा सर्किट है ये रिसीवर है। तो रिसीवर के लिए आप देखिए, ये रिसीवर मॉड्यूल है, 433 MHz रिसीवर है। इस सर्किट में 1 पिन्स है टोटल, 2 पिन्स ग्राउंड है, 2 पिन VCC है। एडिशनली लगा दिया गया है, क्योंकि सर्किट थोड़ा बड़ा था, तो इस 1 पिन को जैसे सर्किट में दिया गया, आप वैसे इसको डिजाइन करके आप असेंबल कर देंगे। और दूसरा एक है 12D डिकोडर। पहले में 12E इनकोडर था और इसमें ये थे 12D सर्किट है। राइट। तो अब ये सर्किट देखिए, आपने हमने यहां बना रखा है, दिस वन इज रिसीवर सर्किट। राइट। रिसीवर सर्किट है, इस रिसीवर में 4 MHz ये RF मॉड्यूल है। दूसरा सर्किट है, ये डिकोडर सर्किट है।
इस सर्किट के माध्यम से हम इसको डिकोड करेंगे, जो डाटा वहां से भेजेंगे, इस ट्रांसमीटर से भेजेंगे वो यहाँ पे रिसीव करेंगे। और ये हमारा ड्राइवर है। ड्राइवर में हमने अभी कॉलबेल के लिए हमने सिर्फ बजर इस्तेमाल किए हैं, और आप यहाँ एक एलईडी भी लगी है और ये बजर लगा है यहाँ, ठीक है। तो ये बजर है, तो इस तरह से ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम बन गया। अब प्रोटोटाइप बना लिया हमने। इस प्रोटोटाइप में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो है हमारा ये दोनों मॉड्यूल, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये मॉड्यूल, इस मॉड्यूल से हम सिग्नल जो उधर भेजेंगे वो हमारा ये ट्रांसमिट करेगा। अब हमने ट्रांसमीटर सर्किट में हमने एक स्विच लगाई है, वो पुश टू वन स्विच है, और इसको सप्लाई कंट्रोल किया है। कहने का मतलब है, आई सून एज वी प्रेस दिस स्विच, द 433 मैग्नल हैज टू ट्रांसमीटर, और जैसे ही वो हमने बटन दाब दी, वो ट्रांसमीटर सिग्नल इधर आ गया इसमें। और ये 433 रिसीवर मॉड्यूल इसको, वो सर्किट को रिसीव करेगा, और ये रिसीव करके इसमें ये डिकोड करेगा, और इस डिकोड करने के बाद ये रिले ड्राइवर में जाएगा और ये आपका कॉलबेल का बटन बना देगा, बजा देगा। इस तरह से आप जैसे ही इसको देखो प्रेस करेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ब्रेडबोर्ड लेना है। ब्रेडबोर्ड में आपने ये सर्किट को असेंबल करना है, ट्रांसमीटर सर्किट कंप्लीट। रेड वायर्स हमारी 5 वोल्ट की वीसीसी टर्मिनल है, और ब्लैक वाला हमारा ये, और इसमें कोई नहीं। और ये अब एक आपको लगभग ये 20 से 22 सेंटीमीटर का एक एंटीना चाहिए, तो हमने एक सिंगल स्टैंड वायर एंटीना के लिए इस्तेमाल किया है, लाइक दिस। दिस वन इज ए सिंगल स्टैंड वायर, ये देखिए, ये सिंगल स्टैंड वायर है, हमने एज ए एंटीना इस्तेमाल किया है, राइट। और दूसरा है एक हमारा ये रिसीवर का एंटीना है, ये हमने दूसरा एंटीना इस्तेमाल किया है, और इसका रेंज है लगभग, यदि आप 4 सेंटीमीटर के अराउंड ये एंटीना इस्तेमाल करते हैं, तो इस एंटीना के माध्यम से ये सर्किट जो है लगभग 100 मीटर के आसपास आपका ये सर्किट जो है सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा। मतलब एक बिल्डिंग में रफली आप जो है इस सर्किट को लगा देंगे, और इसको बिना किसी खास वायरिंग के मॉड्यूल बना लेंगे। दो मॉड्यूल, पहला आप ये है हमने यहाँ पीसीबी में बनाया है, दूसरा मॉड्यूल बना देंगे आप ये ब्रेडबोर्ड में हमने ये रिसीवर मॉड्यूल। तो पहले को आप फर्स्ट यूनिट नाम दे दीजिए, दूसरे को आप सेकेंड यूनिट नाम दे दीजिए। तो इस तरह से, अच्छा, जब आपने इसको असेंबल कर लिया है, तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप इसको जनरल पर्पज पीसीबी पे आप करें। जनरल पर्पज पीसीबी छोटा सा पीसीबी होगा, और वैसे भी जब ये सर्किट फाइनल होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पार्यू मैगजीन में ये पब्लिश भी होगा, उस केस में हम इस सर्किट भी बना के दे देंगे, तो छोटा सा पीसीबी होगा। इस पीसीबी को आप ये गेट पे रख दीजिए, या आप घर में रख दीजिए, या किसी ऑफिस के बॉस के पास रख दीजिए, छोटा सा मॉड्यूल। और दूसरा ये है, ये ट्रांसमीटर है, किसी कॉमन प्लेस पे आप रख दीजिए, जहां की आपका प्यून या आपका कोई जो हेल्पर है वो जहां से रहे उसको, या आप इसको घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफिस में इंस्टॉल कर। घर में है तो ट्रांसमीटर को आप घर के गेट पे रख दीजिए, और इसमें है इस वाले को, तो इसको आप डाइनिंग टेबल पे या घर के कहीं कॉमन रूम पे आप, तो आप यहाँ पड़ा रहेगा। तो जैसे आप यहाँ ये सर्किट करेंगे, प्रेस करेंगे, तो उस तरह से ये सर्किट आ जाएगा। अब इसकी वर्किंग देख लीजिए,
की वर्किंग बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ एक प्रेस बटन दबाना है। जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे, ये देखो आप, तो ये बजर बज गया और सीधे सीधे आपका, मैंने विजुअल भी लगा रखा है, आप चाहें तो ये एलईडी है। और ये हमारा पिन 17 पे हमने इसको सिग्नल एसेस करने के लिए लगाया है, चाहे तो आप इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये कालबेल वायरलेस है और ये केवल पावर सप्लाई है, नहीं आप समझ रहे हो कि हमने ये वायर लगाया है। ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल रिसीवर में है और ये 5 टर्मिनल नेगेटिव है, ये हमारा पावर सप्लाई है। बोथ रिसीवर एज वेल एज ट्रांसफर सर्किट आर इंटायरली डिफरेंट, देयर इज नो वायरिंग, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सर्किट। तो दिस इज द 5 वोल्ट। अब आप 5 वोल्ट सर्किट को आप पावर सप्लाई चाहे एडाप्टर से दे दीजिए या 1.5 × 3 वोल्ट की बैटरी से दे दीजिए एज यूजफुल। और ट्रांसमीटर में आप तो 2 ही वोल्ट चाहिए, थ्री सेल चाहिए, तो इसका 5 वोल्ट का आप बना सकते हैं। तो आप बैटरी भी यूज कर सकते हैं और आप रेगुलेटेड पावर सप्लाई का कोई मॉड्यूल लेके आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सप्लाई की रेडीमेड आते हैं 100-150 रुपए की। तो एक आप बैटरी से, 2 ऑप्शन है पावर सप्लाई के लिए, ये ट्रांसमीटर में और दूसरा ये रिसीवर के लिए। या दूसरा आप कोई भी ट्रांसफार्मर लेके पावर सप्लाई बना सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट आसानी से आप बना के इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में भी बहुत देने की जरूरत है, छोटे सर्किट को गेट पे लगा दीजिए या कोई मॉड्यूल बना के आप अपने टेबल पे रख लीजिए, ट्रांसमीटर और ये कॉमन प्लेस पे है। तो इस सर्किट के माध्यम से आप आसानी से वायरलेस कॉल बेल बना सकते हैं। ये तो इसका एक एप्लीकेशन है। अभी चूंकि हमने ये सर्किट बनाया है तो हमने सीधे बजर लगा रखा है। देखिए वर्किंग में देखिए, एज सून एज आप बजर प्रेस करेंगे, जैसे ही आपने बजर प्रेस किया, ये बजर, ये देखो दम आपकी बजर है। आप इसका एक्सटेंशन है, ये देखो बजर बज गया। वर्किंग आसान है, केवल इस सर्किट को करना है। अब इसका एक्सटेंशन मान लीजिए आपने बनाना है, तो ये आपने हमने एक रियल इंस्ट्रूमेंट बनाया। मान लो इस कालबेल में आप इंस्टीड ऑफ बजर, इफ यू वांट टू इंक्लूड एसी रिंगर लगाना है या एसी ऑपरेटेड कॉल बेल लगानी है, तो उस केस में आपको एक रिले ड्राइवर सर्किट चाहिए। और ये हमने बनाया है रिले ड्राइवर सर्किट, राइट। इन दिस सर्किट रिले इज यूज्ड। तो नाउ इन दिस केस व्हेन यू विल कनेक्ट दिस पावर सप्लाई 5 वोल्ट एंड दिस ग्राउंड टू नेगेटिव एंड द सिग्नल दिस इज विच इज कमिंग फ्रॉम द इनकोडर विल गो टू द बेस रेजिस्टेंस ऑफ द रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर दिस वन। नाउ व्हेन यू प्रेस दिस वन अगेन देन दिस वन मींस बजर एज वेल एज दिस इज वर्किंग। Here we have used buzzer too, right? Otherwise, if you don't want to use, remove this buzzer from the circuit and connect this one. Instead of, in place of appliances, I have used a relay to indicate. This relay, you can use any 230 volt ringer, which is used in normally Kalbeck. तो सिंपल सर्किट इज डिफाइंड नाउ। तो ओवरऑल सबसे बेहतर तरीका है फॉर द लेसर साउंड यूज दिस वन बजर, अदरवाइज फॉर लाउडर साउंड यू कैन कनेक्ट अ रिले ड्राइवर सर्किट विच इज सेपरेटली गिवन हियर
एंड कनेक्टेड टू 30 वोल्ट रिंग फॉर दिस कार. तो दिस इज द सिंपल सर्किट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलबेल यू कैन असेंबल द सर्किट ऑन जनरल पर्पज पीसीबी और ऑन द ब्रेडबोर्ड फॉर द टेस्टिंग एंड यू कैन मेक दिस DIY प्रोजेक्ट एट योर होम. So this is the all about the circuit diagram. This is the all about the description of the circuits which I have just giving you. So base all components, all the part list, all the circuit description will be published in the electronics for you July issue, or it may be June issue. Right? So for further detail, you can refer that this project into the our electronics party magazine as well as on the online electronics party. Right? So this is the once again in brief. First of all, make this transmitter using only two components, transmitter and receiver. In brief, this is the only two components. Make this circuit into this one. This is the only transmitter using help of these two, and with the help of another encoder and receiver, make this circuit, and it is your complete circuit, excluding the relay driver. Now this is the relay driver. So simple circuit mein working is simple. Press this call bell receiver circuit. Transmitter circuit switch one piece and this buzzer will on. Right? Simple. When you don't want this buzzer, such as this, if you don't want this buzzer, connect the relay driver unit for connecting 230 volt AC and the press this one, that relay will on. And you can. That is all about the circuit. Circuit works with 5 volt power supply, which is this given by this red and black wire in this. So this is the simple circuit which is everything is easily available in the market. This is the main component, and hardly you can assemble the circuit based on your requirement. One more option is here. Suppose you want to use as a calibrator as described here, you can make it simple, right? Another application of the circuit is you can use it different calibrator for the four rooms. Suppose if you want to use another defined four rooms, then you can also use here in this one 12ht12e. It has four address pin, pin number 11, 12, 13 and 14, A0, A1, A2 and A3. With the help of this four, you can connect a switch to ground. On the same fashion, here you can use this one, which I have not included in the circuit diagram, as these data pins. So here you can drive any four appliance, any four calibrator for the different rooms. Say, when you are connecting a switch here, A1 means pin number, data pin, address pin 11, press it to ground, then this signal which is connected here will be grounded. Right? So similarly, you can also use this one. So that is the another application for using, and that we will describe in the next. Right? So everything, circuit diagram, part list, description will be provided in the comment box. And we have provided here hand-drawn circuit. Finally, you will receive a keycad designed circuit
just we will remove it easily after designing the circuit through the key case. Right? So this is all about the circuit diagram of this wireless transmitter, and its range is totally based on the 433 megahertz transmitter as well as the receiver circuit. Right? And I think it is around 100 meter. So you can use this wireless call bell with the range of around 100 meter. Right? That's all about it. Circuit board works with 5 volt or something. That's all. Thank you for watching and supporting this.